सन 1893, चंपानेर, देश के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव। चंपानेर के लोग देश के हजारों गांवों की तरह अपना गुजर बसर खेतीबाड़ी से करते थे। गांव की सीमा से लगकर अंग्रेज हुकूमत की छावनी थी और छावनी से दो कोस दूर दक्षिण की ओर इस प्रांत के राजा का किला था। अंग्रेज राजा के प्रांत की पड़ोसी राजाओं के आक्रमण से हिफाजत करते थे और उन राजाओं को भी वो इस राजा के आक्रमण से बचाने का वादा करते। इस दोगले खेल की बदौलत अंग्रेज उन राजाओं के साथ साथ चंपानेर प्रांत के राजा से भी लगान वसूल करते थे। लगान, किसान अपनी उपज जैसे गेहूं, बाजरा, चावल का एक हिस्सा राजा को लगान के तौर पर देते थे और यही लगान हर राजा अपने प्रांत के हर गांव से वसूल करता था। राजा इसमें से एक हिस्सा रखकर बाकी अंग्रेज के हवाले कर देता था। इस तरह अंग्रेज मुट्ठी बुलंद होती गई। देश के हजारों गांवों की तरह चंपानेर के किसान भी दिन रात मेहनत करके अपना पेट काट के सालों साल राजा को लगान पहुंचाते रहे हैं। पिछले साल बारिश हुई थी लेकिन कम, और इस साल अब तक बरसात नहीं हुई है। सूखी आंखें आसमान टटोल रही हैं। आज भी टकटकी बांधे कहाँ देख रही है माई? यही कि कब पड़ेंगे आकाश में बादलों के धब्बे। आंखें तरस गई, बरखा एक मास निकल गई, एक बूंद न पड़ी धरती पे। आती हूँ आती हूँ। एक तो कृपा है सिद्धेश्वर की कि गांव में पिए का पानी है, नहीं तो कलेजा ही सूख जाता। साबू की माया। हाँ माई, पर खेत तो प्यासे हैं, दाना फूटे तो कैसे फूटे? धीरज रखो हरी भाई, आकाश से ना मिला तो धरती का मन टटोलेंगे, माटी फाड़ के पानी निकालेंगे। यही बात मैंने भुवन से कही। कहाँ है वो? सुबह से कहीं गया है। खाने का बखत होगा, वाह दिखाई देवे तो भेज दियो। लो भाई, मुर्गी महाभारत फिर सुनो। अरे गोली के बच्चे ससुरे भाई के तोप के मुंह में ना ठूस दिए तो हमरा भूरा नाम नहीं। हाय सदर, तू कहां घर की बुलिया रे? आ तेरी पूरा की। अरे गोली के बच्चे रुका वो थई। आ सदर, ओ वो थई भाई के गर्दन में दो किस्सा मारा, चार दिन खटिया ने छोड़ा था। तूने हमरे लड़के को काहे मारा रे? मारा? अरे पेड़ से उल्टा लटका के मिर्चा सुलगाए दे, मरे हमरी मुर्गिन का हैरान कर रहा है। और तू सबसे ज्यादा हमसे पटर पटर की तो तेरे गोफन पकड़ के फूंक दे भक्के से। अच्छा, अरे बस भी करो, हर वक्त की खिच खिच। अरे कुत्ते को पिल्लन को भी मात कर दिया तुम दोनों। अरे ये के लड़का हमरी मुर्गिन का छेड़ा था वो। अरे मुर्गियां की छकरियां छेड़ दिया तो इज्जत उड़ गई का? तेरे मुर्गियों का ब्याह नहीं होने वाला। अरे देख पूरा बच्चे ही तो हैं। और गोली अपने बच्चन को समझाई दे, ठीक है? अभी बताओ भुवन को कहीं देखा तुमने? नहीं। तूने देखा रे पूरा? नहीं। काहे? रामी कहेंगे,
गीदड़न की औलाद हो, धूप में जुगनू ढूंढा था। एक दिन वापस वही गोरे टापू पे लौटे के पड़ी जहाँ से आए हो। भाग का शनिचर कोड़ कोड़ फली देख लिया हो। ए गुरन, उनकी शनिचर कुंडली का है बाज रहा है, बहरे कानों पर जांच बजावे से फायदा, मेरा नसीब बांचना। बोलना, हमका हमरे मन का राजकुमार मिलेगा? काहे नहीं, जब सच्चे मन से तपस्या करी है तो उसी के कंगना पहनेगी, उसी की बिछिया। हाय सच्ची सुना जी? हाँ, मगर का हमका एक कठिनाई नजर आवत है। कैसी कठिनाई गुरन, जल्दी बता। गौरी भागना, हमार नसीब बांटना। कहारी काका, गुरन तोरा भविष्य बांचत रहा का? नहीं। अरे पगला है, हाथ भर आगे की जिंदगी की समझ है नहीं उसे, बस अनाप सनाप बकराता फिरे। नहीं हरी काका, वो पगला नहीं है, दुर्गा भाभी की बात भूल गए? ब्याह के 9 साल तक उनकी कुक से कोपल ना फूटी, फिर गुरन बोला कि लल्ला होगा, समूह हुआ कि नहीं, और वो केसरिया का किस्सा ले लो। ठीक है भाई, वो पगला पागल नहीं है, बस अभी बता भुवन देखा कहीं? देखा तो नहीं, मगर जाना तो कहाँ पे होगा। अरे गजब, पूरी खबर रखती हो जन्नो उसकी। ए लाखा, तो से मतलब? ये लो, हमी से सारा मतलब, और हमी मुना खोले। अब तो पहन ले चूड़ी हमरे नाम की। बिठाई का बक रहा है तू? ईमान की कह रहा हूँ बापू, अब देखो आप तो बुढ़ाई गए और जन्नो हमरी कौनो खबर ही नहीं रखती। ये देखो, नहीं देखो देखो, ससुर जखम हुआ पड़ा है। जखम? तुमका हमरी नहीं, बापू की जरूरत है। बापू? हाँ है। लाखा के हाथ में फांस लग गई है। अभी लाखा का क्या करूं, लकड़ी कम और हाथ ज्यादा काटत है। क्या करूं इसर चाचा, कट ही जात है। कच्चा से काका, मैं भुवन को लाती हूँ। अरे सुन तो, मिले तो कहियो कि माई घर पे बाट जोहत है। हाँ हाँ कह दूंगी। Finally, got the darn creature. Well then, sir. Good shot. Thank you, Ramsey. Now for something a little bigger. Arrest him. Sir, this darkie was hiding in the bushes with this stone in his hand. He'd been distracting the deer all the time. Sunja,
पांच बार मैं इस रून को क्यों नहीं मिल सका। तुम जमदारों के रक्षक हो। किसान है हुजूर, चंपानेर का। Well, you must be a very good runner. Try saving this one. Next time, I will shoot you. Agli bana shana tumi banonga. Captain Gazal, Huzur! Raja Puran Singh Jala, gentlemen, mein aapka intezaar kar rahe hain. Puran Singh? What could he want now? फाड़ के काहे चिल्ला रही है? मैं तो ही ढूंढ रही थी, ना ही दिखे तो हम कहाँ मर गए? मैं कहाँ जानू कहाँ? हरम कहाँ सगुन बोल रही थी, इतना नाराज काहे हो रहा है? खैर मतलब पया क्या बात है? एक खास बात कहनी थी। का बैठ तो सही बोल। आज गुरन ने मोरा नसीब बताया है। अच्छा, कब फूट रहा है? दत्त, मैं नहीं बताती। ठीक है बता। अरे बता ना। गुरन ने कही कि इसी साल मेरे हाथ पीले हो जाएंगे, मेरे ब्याह। अरे वाह, तो बड़ी खुशी की बात है, हैं? छंद से बजेगी तेरी पायल, छोरा कौन है? मुझे क्या पता, गुरा ने ही नहीं बताया। पर गुरा ने इतनी जरूर कही कि जिस घर में मैं जाऊंगी उसके आंगन में एक नीम का पेड़ होगा, घर के बगल में एक बड़ा खेत होगा, दो गायें होंगी, एक जोड़ी बैल, तीन बकरियां। गुरन ने कही कि मोरा घर एक छोटा सा स्वर्ग होगा। वाह, क्या बात है, तू है नसीब वाली। नसीब वाली का खाक नसीब वाली भाई, घर स्वर्ग और का चाहती? राम जाने का होगा मोरा। अच्छा भुवन, एक बात बोल, तुहे कैसी छोरी पसंद है? मुहे तो वही छोरी पसंद आवेगी जो मोरी माई को पसंद आवेगी। माई को पसंद आवेगी? हे भगवान, का हुआ? दरअसल मैं तुहे ये बताने आई थी कि माई ने तुहे बुलाया है। अब बता, आ रही है इतने वक्त के बाद? अब तू बैठ गया, हम चले। भुवन, भुवन माफ कर दे। राजा जी, कैसा रहा शिकार आपका? Great shikar ka khel mein duniya mein sabse aage hai. The British Empire is the best in the world, nahi? Bilkul. Lekin hame fikr ho rahi hai. Kya?
जब शिकार जंगल में खत्म हो जाएगा कौन सा खेल खेलेगी आपकी बंदूक? हमारी खुशकिस्मत आप यहाँ पर रहे हैं, लेकिन हम वजह नहीं जानते। हम अपनी प्रजा की तरफ से एक दरख्वास्त लेकर आए। दरख्वास्त? गुड मॉर्निंग एलाइजा। गुड मॉर्निंग योहानस। पेश करता हूँ मेरी प्यारी बहन एलिजाबेथ, कोलोराडो से आई है लंदन से। एलिजाबेथ, हिज हाइनेस राजा पूरन सिंह झाला ऑफ चैंपियनेयर। अलब भलाब, खुशी हुई मिलकर। राजा जी, इसे हिंदी नहीं आते। ऑफ कोर्स, चार्म टू मीट यू। प्लीज टू मीट यू योर हाइनेस। सर, हैरी स्मिथ। राजा जी। Elizabeth, I'd like you to meet my deputy, Lieutenant Patrick Smith. How do you do, Lieutenant Smith? Pleased to meet you. Gentlemen? So, Rajaji, hukum. पिछले 3 साल से हमारी प्रजा ने सिद्धेश्वर के मंदिर में पूजा नहीं की है। उनका विश्वास है कि पिछले साल जो उन पर तकलीफें आई हैं वहाँ पूजा करने से खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिस प्रांत में मंदिर है उस प्रांत के राजा है राजा दिलया सिंह, आपका चचेर भाई और दुश्मन और आपका अजीज दोस्त। मुझे विश्वास है कि अगर आप दिलेर सिंह से बात करेंगे तो वो बात टालेगा नहीं। नहीं जी, नहीं, शुक्रिया, हम शाकाहारी हैं, आई मीन वेजिटेरियन। तो कैप्टन रसल क्या सोच रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? Well, he could be persuaded. आपका काम हो सकता है, but on one condition. एक शर्त है। शर्त? हाँ हाँ, कहिए। Eat the meat, Your Highness. आप ये गोश्त खाए और मैं दलेर सिंह से बात करूंगा। As I told you, I'm a vegetarian. हम शाकाहारी हैं। सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा। You eat it and consider your job done. Andrew, eat the meat. हमारे गोश्त खाने से मंदिर का क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ मैं आपको गोश्त खाते हुए देखना चाहता हूँ। कैप्टन रसल, कर्म का धागा पहनने के लिए हम धर्म का धागा नहीं तोड़ सकते। आई एम सॉरी। वेल ठीक है, तो फिर आप मुझे डबल थैंक्स दीजिए। दुगना लगा? देखिए राजा जी, पिछले साल आधा लगान भी मैंने आपकी कने पर कबूल किया था, वो भी देरी से। इस साल उस लगान की भरपाई करनी पड़ेगी, सो दुगना लगा। सर, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। ब्रिटिश राज हिंदुस्तान के बारिश से नहीं नहाता राजा जी। बारिश ये नो बारिश, मुझे तो ये छावनी बरकरार रखनी है, फौज का कच्चा उठाना है, उनका खाना पीना कपड़े सब कुछ आपकी सुरक्षा के लिए। किसान देंगे कैसे? कम ऑन राजा जी, सिर्फ दुगना लगान ही तो है, और फिर आप कुछ भी तो नहीं कहते। ओम श्री कृष्णाय नमः। 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 कभी समझ में नहीं आवत है। जरूर कोनो खास बात। ए बागा, ढोल काहे पीटे जा रहा है?
राम, बखत से पहले ही खुशियां, ना जाने भगवान कौन करमन के फल दे रही। ई साल भी बूंद गिरे से रही। मनहूस, साला मनहूस, असगुन बोलत रहत, काली जवान। इस साल जितना गेहूं बाजरा चावल लगान पड़ता है उसका दो गुना लगान वसूला जाएगा। ये हुक्म सारे प्रांत पर भी लागू होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? कसूर का किए हैं जो दुगना लगान भरे। पिछले साल हम बखत से लगान नहीं दे पाए और दिए भी तो आधा। पर अब्बा छूट तो राजा जी ही दिए थे ना बरखा की कमी से। दादा रे दादा, एक साल गुड़ और अगले साल गाली, मतलब तब की सजा अब भुगते हैं। वारे महाराज लखा, राजा जी के खिलाफ कौन उस दिस बात नहीं सुनेंगे हम। राजा जी और उनका पुरखा नहीं हम लोगों के सर पर साया रखे इतना बरस। साया रखा है तो एहसान किया है, छाव देना पेड़ का धर्म होता है। हम तो सिर्फ इतना डालना चाहते हैं कि आखिर भूखे पेट कब तक उनकी मलारे गावे, उनकी गोदामे भरे। बात समझो अर्जन, ये दुगना लगान राजा जी का नहीं, वो गोरे सांडों की मांग है। मुखिया जी, चाहे दाहिने हाथ पर धरो चाहे बाएं पर, लगान तो हमका देख पड़ी। हम तो कहे थे सब जने मिलके राजमहल चलो और राजा जी से बात करो, ये बादलों से छुपे नहीं है। उनसे कहो कि इस साल हम लगान नहीं दे पाएंगे, एक और दाना नहीं। और ये सब सुनने के बाद राजा जी मना कर दिए तो फिर सारी अलग अलग उंगलियों की मुट्ठी बन जाए मुखिया जी। मतलब तुम लड़ोगे? अगर जरूरत पड़ी तो वो भी। तो हर खोपड़ी घूम गई है भुवन, राजा जी के साथ गुस्ताखी करोगे तो खुद तो डूबोगे, हम सबका भी लाई के डूबोगे। अब ये कौन सी जिंदगी सुख भोग रही है, डूबे नहीं है का? जो भी हो लेकिन हम पूरे गांव पर धूल नहीं उड़ने देंगे। का चाहते का है आप? घर बार बेच दें, गाय बैल और तन बेच दें, दुगना लगान भरे खाते, कौनो इंसाफ है? मुखिया जी, वो रहे महाराज। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भैया, हमारे महाराज जी से मिलना बहुत ही जरूरी है, हम महल हुई के आए रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनका खेल चल रहा है अभी, आप यहाँ बैठो, उनका खेल खत्म होने तक आपको रुकना पड़ेगा। हाँ। बैठो ना सब। ठीक है, बैठो बैठो। ये कहाँ खेल रहे हैं? का जाने ससुरे का खेल रहे हैं? हमारा गिल्ली डंडा है ना, वैसे ही कुछ दिखे। तो ये गोरे ससुरे बालकन का खेल काहे खेल रहे हैं? बादल आए गए का? Isn't that a wonderful shot? You are not supposed to touch the ball. Arrest
क्या कर रहे हैं आप लोग? माफी चाहते हैं राजा जी, हम यहाँ से मिले के वास्ते आए थे। इनका ही ठुक-ठुक वाला सड़ील भद्दा सा खेल देखने नहीं, हमारा दर्द जाना तो दूर, वो गोरे ने बुरा पर हाथ छोड़ दिया। कैप्टन असल, तुमने जो कहा हमें पसंद नहीं आया। माफ कीजिए, ये समस्या लेकर आए हैं, बहुत दुखी हैं। वही लड़का तो वैसे ही नादान है। इतना बिना दान नहीं है, जंगल में तुम ही थे ना। ठीक है, इसका फैसला कल की बात करेंगे। लीव हिम। कम ऑन चैप्स, बैक टू द गेम, कम ऑन। खेल के बाद बात करते हैं। जो आगे बढ़े, जो आगे। अब बताओ मुखिया जी, क्या बात है? महाराज जी, आप तो जानते ही हैं, आज तलक भी बरखा नहीं हुई है, और हमारे पास जो कुछ है उसमें ई साल गुजर बसर हुई जाए वही बहुत है महाराज। सो अन्नदाता, हम आपके पास पहले ही करने आए हैं कि आप इस साल का पूरा लगान माफ कर दें। माई बाप, देखो मुखिया जी, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों पर क्या बीत रही है, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हैं। गोरी चमड़ी वाले अपने बाप के सगे नहीं होते। दुगना लगान तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम योर हाइनेस? कैप्टन रसल, किसान एक अर्जी लेकर आए हैं। वो क्या? ये चाहते हैं कि हम इस साल का लगान माफ कर दें, पर हमने बता दिया है कि ये नामुमकिन है। देखिए। लेकिन ये मुमकिन है। वो कैसे? हम बताते हैं। ठीक है, हम लगान माफ करेगा। लेकिन एक शर्त है। शर्त? का शर्त लाड साहब? तुम इधर आओ। क्या कहा था तुमने हमारे खेल के बारे में? पूरे दिशा? हाँ, सदी बदासा खेल है। तुम इस खेल के बारे में क्या जानते हो? बचपन से खेलत आ रहे हैं। हम ही का गिली डंडा कहते हैं और आप न जाने का। क्रिकेट तो तुम्हारे ये कहने हैं कि ये क्रिकेट तुम खेल सकते हो? हाँ, आसान है। ठीक है, तुम्हें लगान माफ कर देता हूं, लेकिन तुम्हें इस खेल में हमें हराना होगा। शर्त यह है कि तुम हमको इस खेल में हराओ और हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा। I'm serious. You beat us in this game, and I'll cancel your tax. लेकिन कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी तीन गुना लगान देगा।
ठीक है बोलो, शर्त मंजूर है? Sir, I think the cat's caught his tongue. Quiet. ठीक है, हम शर्त बराता है। तुम हमको इस खेल में हराओगे, तो तुम्हारा इस साल का तो किया, हम अगले साल का भी लगान माफ कर देगा। हे मुंजो, बहुत कुछ मत कहना, चुप रहना बहुत। ठीक है, हम शर्त और बढ़ाते हैं। सिर्फ एक नहीं, अगले दो साल का लगान माफ कर देगा, यानी 3 साल। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, सारे प्रांत का। अब मंजूर है? हाईवे के खातिर गड्ढा खोदा जा रहा है भुवन। हाँ भुवन। मुखिया जी, आप बात करें। मुखिया जी, आप बात कीजिए। आप इस बात से बात करो। लाट साहब। शट अप। तुम बोलो, दुगना लगान दोगे? केशत मंजूर है? शर्त मंजूर है। ठीक है, तो फिर ये ठहर रहा, खेल ठीक 3 महीने बाद खेला जाएगा। Saves life. जीत गए तो कौनो लगान नहीं, लेकिन हार गए तो 3 गुना लगान भरेक पड़ी, और ई नामुमकिन शरत ई भुवन ने मंजूर कर ली। इतने का किया भुवन? अब दुगुने से तिगुना। सत्यानाश, हम तो पहले कहत रहन कौनो बड़ी विपदा आ सकत है, नहीं कहत रहन भुवन। और कौनो चारा था? मैं पूछू था कौनो चारा? का कर सकते थे हम? दुगना लगान जबरदस्ती नहीं है, भरे की ताकत है। बताइए, भर सके है कोई? ये विपदा नहीं है मुखिया जी, मौका है मौका। हम सिर्फ जोश महाने किए, चूल्हे से रोटी निकाले के लिए चिमटे को अपना मुंह जलाहे पड़ी। मानित है कि हमारा पलड़ा हल्का है, मगर इमा उम्मीद तो है, और यही उम्मीद का हम सच्चाई में बदलना चाहते हैं। ये खेल है हमारे खेत खलियान के लिए। भूल गए? अगर जीते तो 3 साल सुखी होंगे, 3 साल। जरा सोचो, 3 साल कौनो लगान नहीं, जाने हो इसका मतलब हमारा अनाज सिर्फ हमरा होगा, किसी को दाना नहीं देना पड़ेगा। हिमा हमरे बच्चों की, हमरी, सारे गांव की खुशहाली होगी। हमारा पसीना हमारे तन में खून बनके दौड़ेगा। चाबास, छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने। हाँ अर्जुन, हम सपना देखते हैं, और सपने वही साकार कर पावे हैं जो उन्हें देखते हैं। ही सर काका, 3 महीने का बखत कम नहीं होता,
हम खेल सीख भी सके हरा भी सके। अरे छोड़ो भवन, 3 महीना साल भर भी डंडी पीटो तो भी फिरंगी खेल ना सीख पाई हो। हम जाने था ये आसान नहीं है लाखा, मगर मुखिया जी ये असंभव भी नहीं है। हम आप सबका साथ चाहे थे। गांव का कोनो आदमी तुम्हारे इस पागलपन में साथ नहीं देगा भवन। मगर इस्माइल, बस भवन बहुत होगा वहा, अब एक ही आस है, हम सब लोग एक बार फिर राजा जी के पास जाएंगे और जान बचाने की गुहार करेंगे। सोच रही हूँ आज जो हुआ वही के बारे में। बेटा माँ तोरी कसम, मैंने जो किया ठीक किया। मन कटता है मोरा जब हम राजा का लगान भरते हैं और वो फिरंगियों की गंदी हथेली पे धर देते हैं। तू बोल माँ, धरती की छाती चीर के बीज कौन बोए? हम बोए, फिर सीजे कौन है? हमें ही फिर लगान उनकी गांठ काहे बांध दे? गोरा साहब की बात मां, 3 साल का लगान माफ करे की बात थी। मैं का गुंगा हो जाता मां। तू बोल, गुंगा हो जाता मैं का? मां का देख रही है? यही रे, तू बिल्कुल तेरे बाबू की तरह बोला था। वो ऐसे ही जो चारों थे खरी बोलते थे। जे, सोचा बोझ मत ले माते। गौरी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझसे मिलने आई थी, तुझे ये बताने आई थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भरोसा है मुझे तुझ पे, तुम्हारी हिम्मत पे। बस इतना ही कहने आई थी। बताता हूं, का पता का होगा। Thank you.
नहीं है टीपू, गोरे पतलून पहन के ये खेल का क्रिकेट कहते हैं और हम लंगोटी बांध के गिली डंडा, समझा? अरे हमार बाप दादा खेलत आ रहे हैं गिली डंडा, चल अभी तरफ चल, और पीछे और बस अब गोला पकड़। अरे ठीक से पकड़ टीपू, ला इधर हम दिखा दें। देखा, बहुत आसान है, अरे तू भी सीख सके है, ये खेल बिल्कुल गिली डंडे जैसा ही है। ये ले गोला, शाबाश। क्या बात है, क्या बात है, वाह टीपू, है ना आसान। अब गोला फेंक, मारते कैसे ये दिखाता हूं। फेंक, वाह कहाँ फेंकता है गोला, तू तो गोला बहुत ही अच्छा फेंकता है टीपू। हाँ गौरी ला दे। ए गौरी, ये क्या कर रही है, चल पानी गरम कर। इले टीपू अब की बार देख, अरे बहुत आसान है। ससुरा डंडा फिसल गया, अरे हाथ में पसीना है ना। हाँ अब ठीक है, आपकी फेंक टीपू, और बुरा मत मानियो, अब की बार बहुत जम के पीटेंगे हम। जम के पीटेंगे। एक बात कहूं? का? मोहे लागत है, भुवन ठीक ही कर रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, देख पानी गर्म हुआ कि नहीं। की तरह हम तुम्हारे साथ हैं।
कौन है बापू? ये तो राम प्रसाद और नामदेव हैं, तनपुर और भिंड के मुखिया। पर इतने लोगन के साथ भुवन कौन है? भुवन ओरा पूरा भुवन। ए रुक जाओ नाम देने का, रुक जाओ के बैठे गांव के मजा तक ध्यान रखो। अरे गांव से नहीं, ये हम जाने भुवन से बैठे, हम इसी को तबक चुकाने आए। प्रसाद ले ले आए क्या? प्रसाद ले की गलती का बोझ हम काहे उठावे? संताई बैठ जाओ ने तू हाथ चौ नाम रे नाम ये ना पास ना करे वाला। हम जो भी किए वही मां सबकी भलाई है। तू भलाई चाहिए चूरे बाड़ में? तुमको तो घोरे साहब से मांगनी पड़ेगी माफी। अई खेल गया चूरे बाड़ में, समझे कि नहीं? नहीं समझे? जान लिया तुम्हारा खैर नहीं है। अरे धीरे धरो राम प्रसाद, तुम जो कह रहे हो वही होगा। मगर मुखिया जी बात भवन, अब कौन आगे मगर नहीं? हमका राजा जी के पास जाही पड़ी। बात मंदिर खेल या दुगने लगान की नहीं रही, बात अब अंग्रेज की है, उस सन की कैप्टन रसल के अहंकार की। वो गोरे साहब से आप एक बार फिर बात करके देखें सरकार। क्षमा करें महाराज, भुवन दादान है, भोला है। और सरकार जोश में था। जोश और होश की बात ही नहीं रही, इसने तुम सब की तरफ से अंग्रेजों को ललकारा है। महाराज वो माफी मांगे को अंग्रेजों से तैयार है और हम सब भी। जी महाराज, 100 करोड़ मंजूर है महाराज, मगर हम माफी नहीं मांगेंगे। माफी की तो अब बात ही नहीं उठती, अब जो कर दिया है उसे भुगतो। तो फिर क्या करें महाराज? उनका खेल सीखो। भुवन भैया, वो बाकी के सब काहे खड़े हैं मैदान में? ठीक गिल्ली डंडे की तरह, गिल्ली पकड़ने मतलब गोला पकड़ने। That is out, sir. वो फिर से आसमान की तरफ काहे उंगली दिखा रहा है? यही तो हम और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी अम्मा को याद कर रहा है, ऊपर बैठी है ना। I know what you were doing behind that tree. You were trying to learn the game. नहीं नहीं मेम साहब, हम तो खेल समझे मन लगे थे। Oh, I thought you were trying to learn the game. हैं? बोलो भैया,
ये क्या कह रही है? का लागत है हमको जाने के लिए कह रही। ठीक है मैम साहब, हम जाते हैं, चलो भाई। नो वेट, राम सिंह। यस मैम साहब, व्हाट कैन आई डू? Ram Singh, I want you to tell them that I would like to help them learn the game. Yes, ma'am sir. Ma'am sir, कह रहे हैं कि इस खेल को समझने में तुम्हारा ma'am sir, sir, एक मिनट। अगर रसल साहब को पता चल गया तो I mean रसल साहब will get angry. Ram Singh, can I trust you? Of course, ma'am sir. No one should know about this. All right, मैम साहब, किसी को पता नहीं चलेगा। अब मैम साहब कह रहे हैं कि इस खेल को समझने में तुम्हारी मदद करना चाहेंगी। अच्छा, लेकिन का है? ये भी तो फिरंगी हैं। The man wants to know why would you want to do this as you two are British? Tell him because I know what happened to them is unfair. And I want to give them a fair chance. मेम साहब जानती हैं कि आप लोगों के साथ ज्यादती हुई है और इसीलिए वो तुम लोगों को बराबरी का मौका देना चाहती हैं। हमका खुशी होगी। शुक्रिया। He is happy to receive your help and return thanks to you. Good. क्या बात है? Tell him I'll meet him tomorrow, same time, but not here, and certainly not in their village. Some other place, maybe? मेम साहब कल तुम्हें मिलेंगी इसी वक्त, लेकिन यहाँ नहीं, गांव में भी नहीं, कोई और जगह है अलग। समझ गए, गांव के नजदीक जो टीला है वो के पास। हाँ, you can meet him next to the hill and near the village. I know the place. All right. What's his name? मेम साहब आप लोगों का नाम जानना चाहती है। ये गुरन है, ये बागा, ये टीपू है और हम हैं भुवन। बाव फैन। नहीं नहीं, भुवन। बाव वन। वन वन। भुवन। भुवन। आप जय के सही फूटी। My name is Elizabeth. मेम साहब का नाम एलिजाबेथ है। आइली और का बात? बाप रे, नाम लो तो ससुरी जीप टेढ़ी हो जाए। अच्छा नाम है, जो भी है अच्छा है। अच्छा मेम साहब, हम जाते हैं, नमस्ते, चलो भाई। भुवन, वो कभी नहीं मानेगा। बापू। अब खत्म होगी बेटा, अब हाथ। वो मानेगा। पायल आ गई भाभी। राम राम भुवन भैया। और क्या कर रहा शैतान है? क्या बोली, दाना पानी हो गया? हाँ। सारा दिन दिखाई नहीं दिया भुवन भैया। क्या करें भाभी, खेल की तैयारी में जुटे पड़े थे। तो कैसन चल रही है तोरे खेल की तैयारी? शुरुआत है, धागा पकड़ रहे हैं। जानत है, गांव वाले खिल्ली उड़ावत रहे। कहत रहे का साथी मिले हैं भुवन को, एक बाघा और एक गुरन, एक को ढोल पीटने के अलावा कुछ आवे नहीं, और दूसरा बस आंखें फाड़े पागलों की तरह घूरत रहे। अरे हम नहीं, इसे तो गांव वाले कहत रहे। अच्छा, इनके अलावा एक गोरी मेम भी है हमारे साथ, जो हमका खेल सिखाएगी। गोरी मेम? कहा हाँक रहा है भुवन? और नहीं तो कहा, पूछ ले इनसे। गौरी का ये सच है? हाँ, है कोई गोरी मेम। मतलब तू सचमुच खेलेगा? और चारा ही कहा है, अब तोरे जितना बड़ा खेत तो है नहीं हमारे पास, जो एक टुकड़ा फाड़ के बेच दें। का माने? मैं कहाँ बेचूं अपना खेत? मैं नहीं बेचूंगा अपना खेत। तो दुगना लगान का आपने नानी के घर से देगा?
अरे खैर चलत है। ए भुवन, मैं काम आ सकूं? और का तोरी भैंस काम आवेगी? मरे तू ही तो सबसे ज्यादा काम का है। वो कैसे? अब जैसे तो गोफान घुमात है वैसे ही गोला। का निशाना है तेरा धाय से? गोफन भुवन, तो का हमरा लगान माफ होगा? हाँ गोली, हम भरपेट खाएंगे। का हमरे सपने सच होंगे? नहीं नहीं भुवन, तू गीली चुटकी में नमक पकड़ रहा है। भरोसा कर गोली, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। अच्छा है। वो गोरी आई नहीं अभी तक? ले मैं आ गई। अरे वो तोरी नहीं गोरी मैम की राह देखत है। गौरी नहीं गोरी। भुवन भैया वो आ गई। अच्छा भुवन ये बता, वो भूतनिया दोहरा साथ देवे को तैयार कैसे हो गई? सीधी सी बात है, भाग गया भुवन भैया। ऐसा बहुत भुदकता है। तो जल्दी सीख गए हमारी भाषा। हाँ, राम सिंह सिखाया। ये कौन है? टीपू बागा और गुरंत को तो आप जानते हैं। ये गोली है, ये ईसर काका और ये गौरी। गौरी, फिर मिलेंगे। सब आप गलत बोल गए। यू शुड सी, मिलकर खुशी हुई। ओह गॉश, आई एम सॉरी। मिलकर खुशी हुई। हमका भी मिलकर खुशी हुई। So, Buwan, tell me, what do you know about the game? क्या चीज? मेम साहब पूछ रहे हैं कि तुम इस खेल के बारे में क्या जानते हो? बहुत कुछ। छह डंडियां हुए हैं, तीन ही तरफ तीन उ तरफ। दुई लोग हाथ में फल्ली लेकर डंडियों के आगे खड़े होते हैं। एक ससुरा दौड़ के डंडियों के पास से गोला फेंकत है और फल्ली वाला फल्ली से गोले को दे घुमा है और फिर सब जने तितर बितर भागे लगत है। उनमें से एक गोला लपक लेता है और जो आदमी पहले गोला फेंका था वो के पास वापस देता है, फिर दौड़ के गोला फेंकत है और ये फिर फल्ली घुमा है। बस दिन भर ही चलत रहता है, गोला फेंक फल्ली घुमा, गोला फेंक फल्ली घुमा। क्यों भाई? हां हां साहब, आई कांट ट्रांसलेट ऑल दैट। नो नीड राम सिंह, आई अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ दैट। He knows nothing. This is what a cricket field looks like. मान लो कि खेल का मैदान है। And this is what a cricket pitch is. ये वो पट्टी है जिसमें खेल खेला जाता है। There are three main aspects to cricket: batting, bowling, and fielding. खेल के तीन खास हिस्से हैं: बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण। बाप रे, इतनी गाड़ी भाषा तो हमारा ताऊ ना समझे। What did he say? He said, this language even his ancestors will not understand. All right, we better make it simpler. Cricket is played by two teams, say yours and the English. Each team has 11 players. There are five batters, five bowlers. Thank you.
गैरी, गैरी, हाँ जी, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? कुछ नहीं. मेम साहब, I think we should leave now. It's getting late. बस, आज के लिए बहुत है. चलो शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम. हरिओम. पकड़ भागा. देखो सब जने गेंद को लपकने की कोशिश करो, उका गिरने मत दो. ए भुवन, वो गोरी मैम तो कह रही थी कि दल में 11 लोग होने चाहिए, हम तो सिर्फ 5 ही हैं. 5 का है, मैं भी तो हूँ. जो कुछ जो गोरी मैम कर सके है वो मैं भी तो कर सकूँ हूँ. ठीक है गौरी, 5 नहीं 6. किशोर काका, जैसे आपने गांव के खातिर सोचा है वैसे और लोग भी सोचेंगे और आ जाएंगे, या फिर हम उन्हें खींच ला देंगे. गोली ले गोला. अपना छटा खिलाड़ी. ए बुरा, अरे वाह, इसे काका देखा आपने, ऐसे गपचते हैं गेंद को. क्या बात है बुरा, जीता रहे बिना पानी के. अच्छा अच्छा समझा, तो ऐसे गपचते हैं गेंद को. और क्या. ए बुरा, जरा फिर से गपच के दिखाऊं उन लोगों को, खास करके ही गोली को. इसे तो बिल्कुल है पकड़ना नहीं आता है. हाँ चलो सब जने इधर चलो. हाँ, चलो अब गौर से देखना. चले गोली, तैयार है बुरा, ध्यान से देखो. देखा. अरे वाह बुरा वाह, क्या बात है. पर ये तूने कहां से सीखा रे? अरे हम बताए थे, गेंद तो ससुरी सीधी सीधी आवत है, लेकिन मुर्गी भागत है टेढ़ी मेढ़ी. ऊका पकड़ने के लिए बदन में फुर्ती चाहिए, फुर्ती जो बुरा माँ है. अब बुरा ही हम सबको सिखावेगा. क्यों रे बुरा, सिखा तो दे ही, लेकिन लेकिन का हमार मुर्गी. अंग्रेज मुख्यालय मध्य प्रांत. लगान माफ करने की शर्त सुनकर अंग्रेज मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी हैरान हुए. कर्नल बॉयर, मेजर बॉर्न और मेजर कॉटन ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए कैप्टन रसल को मुख्यालय बुला लिया. At ease, Captain. You know Major Cotton. That is Major Warren. Take a seat. Now, what is this we hear? That you have agreed to cancel the tax of the farmers in Champanere if they beat you in a game of cricket. Is this true? Yes, Colonel Boyer, sir. It is. What on earth do you think you're here for? To play games? And let me remind you that you are working here for Her Majesty the Queen. And your job is to ensure the smooth running of your province. Pardon me, sir, but that's exactly what I'm doing. I think we'll be the judge of that, Russell. We also understand that if you lose this so-called match, you will cancel their taxes for the next 3 years. Not just Champanere, but the entire province. But they're going to win. You're missing the whole bloody point. मेजर वॉरन इस बात से गुस्सा थे कि कहीं इस शर्त की वजह से अब लगान माफ करने के लिए सारे देश में क्रिकेट के मैच न होने लगे.
रसल उन्हें यकीन दिलाता है कि किसान हारेंगे और रानी विक्टोरिया की तिजोरी तीन गुना लगान से चमक उठेगी। मेजर कॉटन ये जानना चाहते हैं कि और कौन से खेलों में कैप्टन रसल रुचि रखते हैं जिसकी शर्त रखी जा सके। घुड़सवारी? What would you have us do next? Race horses? This is the most preposterous idea I've ever heard of. Captain Russell, the British Empire cannot function according to the whims and fancies of officers like you. Now, jolly well understand this. If you win, you will have had a narrow escape. But if you lose, you will pay the taxes for Champana and the entire province out of your own pocket. And then you'll be packed off to Central Africa. Is that clear? Yes, sir. That will be all. You may go. अब इस शर्त से पीछे हटना अंग्रेजी शान के खिलाफ था और इसीलिए कैप्टन रसल को यह चेतावनी दी गई कि अगर वो इस खेल में जीता तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर वो हार गया तो वही तीन गुना लगान सारे प्रांत का वो खुद अपनी जेब से भरेगा और साथ ही उसका तबादला मध्य अफ्रीका के रेगिस्तान में कर दिया जाएगा। Is that the way a soldier behaves? You're supposed to salute when a superior officer passes. I did, sir. I didn't see it. I imagine your meeting did not quite go as expected, sir. Damn right it didn't. The senile old hat's going to teach me how to run the show. They've lost a sense of adventure with age. And what's wrong with little fun and games along with the Lagan? Is the match cancelled, sir? No, of course not. Hey! How dare you hurt my horse! Mere gore ko taklif diya. Ab tum log nahi bachega. तुम कौन से इतना लगान वसूल करेगा कि पीने को खपरा नहीं रहेगा। तुम साला गुलाम लोग हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। जूते की तल्ले कितनी भी मोटी हो सरकार, खिसक जरूर है, फिर कीले चुभने लगती है। राम सिंह जी सर, get him out of here before I kill him. जी जी, जल्दी। लागत है हम अंधे रहे, बेमगज। अब हम तुम्हारे साथ हैं, हम कोनो काम आ सकते हैं तो बोलो। तो बड़ी खुशी की बात है अर्जुन, रोटी बन रही है। नो नो अर्जुन, वैसा नहीं। लाखा, गोली सच्चाई का हतरा का? गोरी मेम आतो लाखे, हमसे भूल हो गई, पर बात अब भी हाथ में है, हमें भुवन का साथ देना चाहिए। का बोला तू? पगला ही कबाय का? अरे बात समझा कर, देख देख, एक अंग्रेज छोरी हमरा तन पेट बचाए खातिर गांव की मदद कर रही है और हम गाल फुलाए बैठे। लानत है ससुरिया।
अल्लाह निगेबान, हमें भुवन का साथ देना ही होगा। चल चल मेरे साथ। इस्माइल, सचिया गए होगा, और सचिया गए तो बांस की काठी पकड़ लाओ और ऊपर से डाल लो कफन। ससुर, ई भुवन, ई तोरा भुवन कभी घाट ना लग पावेगा। इस्माइल, वो तो का कभी अपने तल में नहीं रखेगा। भुवन, टांग से कपड़ा हटे तो पूरे तन की लाज जावे। मैंने उस दिन जो भी बुरा भला कहा उनके लिए शर्मिंदा हूं, और ये कोशिश में मौला कसम मैं तेरे साथ हूं। नमाज का ईमान नहीं गवाया है। कितनी बढ़िया बात है भुवन, इस्माइल भैया ने कितनी हिम्मत बढ़ा दी है ना। अब कौन है रोकने वाला। अच्छा है। क्या देख रही हैं मैम साहब? ये स्टैच्यू मुराद किसकी है? ये राधा किशन का मंदिर है मैम साहब। भगवान किशन और राधा जी की मूर्तियां हैं ये। आज किशन जी का जन्मदिन है, इसलिए हमने इन मूर्तियों को सजाया है। बहुत सुंदर है जी। क्या दोनों पति पत्नी थे? अरे नहीं नहीं मैम साहब, किशन जी की शादी तो रुक्मणी से हुई थी और राधा की अनय से, लेकिन दोनों में बहुत गहरा प्रेम था जो एक मिसाल बन के रह गया। आप समझ लो कमल के पत्ते पर सबनम की बूंद जैसा, एक भी नहीं हुए और अलग भी नहीं। जुगों जुगों से दोनों की पूजा होती चली आ रही है। पुजारी जी। अरे हाँ गौरी, हम भुवन कितना सनकी है थोड़ी है सरकार, जो सरकारी पहाड़ से दुश्मनी मोल ले। मैं तुम हमको ये सब क्यों बता रहा है? अब कटती मुर्गी का दर्द तो मुर्गी ही जाने है अन्नदाता, हम भी कट रहे हैं अंदर से। बस यूं समझो सरकार कि भुवन की हार में ही हमारी जीत है। What is your name? है? नाम? लाखा सरकार। लाखा? तुम एक काम करो, तुम भुवन केडल में शामिल हो जाओ। ये क्या कह रहे हैं सरकार? तुम भुवन केडल में रहोगे लेकिन काम हमारा करोगे। समझ गए सरकार। So, Eliza, you've been sightseeing. How's the countryside? It's beautiful. The mountains, the woods, the cattle. And the villages? I didn't see any villages. My foot, you didn't see any. You were with the villagers and what's-his-name teaching them cricket. You thought I wouldn't come to know, hmm? You have the audacity to go against your own brother? अपनी छोटी बहन की करतूत सुनकर कैप्टन रसल ने गुस्से में आकर एलिजाबेथ का कैंटोनमेंट से बाहर निकलना बंद कर दिया।
farmers. अरे तू काहे चिंता करती है बेटी, हमरा खेल दिन ब दिन सुधर रहा है। तूने जोश में गोला फेंका था, कभी कभी टप्पा ही नहीं पड़ा। और अर्जुन तू गोला मारने के बाद वहीं कहीं खड़ा रहता। टपर आप दौड़। भुवन भैया, आप सबको एक साथ खेलता देख करके आज हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है। बहुत ही पछता ही रहे हम। भुवन, का हम तुम्हारे साथ खेल सके थे? नहीं, तू नहीं खेल सकते। काहे? अरे खेल देखकर समझ लाखा, ये सिर्फ लकड़ी काटना नहीं है, आदमी में कौन हुनर भी होना चाहिए। क्यों भाई? अभी गोली को देख, गोफन की तरह कैसे फर्राटे से गेंद फेंका था। अपना भूरा मार यार। अरे हम कहते हैं मुर्गियन की तरह गप से गेंद को गुपच लेते हैं। अर्जुन ई का देखो, नाल ठोंकते ससुरा कैसा निशानची होई गवा है। सही बात है, ईश्वर का के हाथ से धन न फिसले तो गेंद का चीज है। फिर बैद भी है, खेल में चोट चपेट लग गया तो इनकी जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। और क्या, और ये बाघा की ताकत कौन नहीं जाने है, एकदम जड़ी बूटी सी। अरे गुरन मा तो जूझे का ऐसा जुनून है जो रोग की तरह फैलत है। शनि पराक्रमी है और मंगल बलिष्ठ है। आओ इस्माइल, जहाँ तक हमका याद है गिल्ली डंडा माँ हमेशा हमार टक्कर रही है। हाँ टीपू, अरे टीपू तो बहुत है उसे यार। अब बता लाखा, तोरे भीतर कौन होना है? हमरे भीतर हम तेजी से दौड़ सके थे। अच्छा तेजी से ठीक है, तो एक काम कर, मंदिर की सीढ़ियां 3 बार तेजी से चढ़ उतर के देखा, तेजी से हो सके है। हाँ भुवन, इसे हरगिज मत लेना, मन का काला है। नहीं गौरी, हमका एक ही जरूरत है, लकड़ी काटते काटते इनके हाथ बहुत मजबूत हो गए, जम के गेंद की पिटाई करेगा। चल रे लाखा। अरे पर कोशिश तो कर रहा है ना। चिंता मत कर, हम मलहम देंगे भाई। देख लिया भुवन, बोल क्या कहते यार, तू बड़ा धीमे भाग, थोड़ा तेज। हम सुधार लेंगे भुवन, रोजे भागेंगे, मगर मगर हमका रख लियो, ये पूरे गांव पे कालिक पुते, ये हमसे बर्दाश्त ना हुई। क्या कहते हैं आप लोग? एक मौका देके देख ले। हाँ रख लो, रख ले, देखा जाए, रख ले, देख ला का। खेल में बदमाशी करने की तोरी आदत छुटपन की है, कहीं यहाँ भी तो ऐसा का कहते हो इस्माइल? हम पछता ही रहे हैं, सच्ची बताओ तो सबसे। हाँ ठीक है लाका, तो हमरे दलमा है, लेकिन याद रहे लाज बचानी होगी, गोरों के लिए ही सिर्फ खेल है, लेकिन हमरे लिए हमार जिंदगी। हाँ भुवन, हम तोरे साथ है। Thank you.
तुम लोग इस गेंद से खेलोगे। अरे वाह मेम साहब, आपके साथ ने हम सब में जोश फूंक दिया है, शुक्रिया। ये गेंद से शुरुआत गोली करेगा। हाँ। अभी कुछ हो नहीं, पहले पेट पूजा कर लो। अरे गौरी, पेट के लिए तो गेंद पूजा कर रहे हैं, जरा ठहर जा, पहले खेल ले। चल चलो सब लोग। ए बुरा, तू इस तरह गोली तेज फेंक। अरे दौड़ा दिया। अरे वाह भुवन, काम आ रहा है। ए गेंदे, भुवन कौन है? हाँ मैं भुवन। तुम्हारा नाम? मैं देवा, देवा सिंह सोढ़ी, धौलपुर से आया हूं। सुना है अंग्रेजों के खिलाफ लड़न वास्ते तुसी कमर कसी है? हाँ, लेकिन लाठी भाले से नहीं, गेंद बल्ले से। लाठी भाले से हो या गेंद बल्ले से, मैं हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ हर जंग में शामिल होना चाहता हाँ। मैनू इस लड़ाई विच हाथ बटाने दो भवन, मैं ये खेल पहले खेल चुका हूं। कब? मैं अंग्रेजों के लश्कर विच था, एक दिन बर्दाश्त नहीं होया, पिस्सुआ दे पुत्रां नू सलाम फेंक के लौट आया। मैनू अंग्रेजा नाल नफरत है। मेम साहब हमारे साथ हैं, हमारे खिलाफ नहीं। तुम खेल के बारे में क्या जानते हो? दो बातें मेम साहब, अगर गेंद फेंकूं तो तीनों लकड़ियां दी धज्जियां उड़ा दूं, ते अगर गेंद खेलूं ते गेंद नू चीर के रख दूं। That's good. देवा, तुम्हारी गेंदबाजी तो देख ली, अब बल्ला उठा। गोली, गेंद फेंक। गोली, गेंद अलग रख, कोई नहीं खेलेगा, पहले खाना खा लो। ठीक है ठीक है। अरे भाई सब जने खाना खा लियो। आओ देवा। मुझे डर हो रही है, मुझे जाना होगा। भुवन, तुमसे कुछ कहना है। जी मैम साहब। बाय गौरी। जी नमस्ते। कठिनाई भुवन, मेरा कैंटोनमेंट से निकलना मुश्किल है, अब मैं तुमसे रोज नहीं मिल सकती, और वैसे भी अब तुम्हें लोगों के साथ है, लेकिन वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी खुद का वजह से है, क्योंकि तुम एक अच्छे आदमी हो और अच्छे दोस्त भी। तुम्हें पता है बचपन से मेरा कोई दोस्त नहीं था, जब तक तुम मिले। बात नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन In fact, I'm falling in love with you. मेम साहब, हमका अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। Falling in love with you, do I?
मैजिक नहीं, गौरी कहाँ गई? वो तो गई। कहाँ? ऐसे कहाँ घूर रही हम का? है? अब क्या जुर्म हो गया वहाँ से? अरे गौरी, कमाल करती है तू, सारा गांव ढूंढ लिया और तू यहाँ बैठी है, रोटी छोड़कर कहाँ आई? मोरी मर्जी। कहाँ मतलब तोरी मर्जी? अरे कम से कम हमसे कह के तो आती। कैसे कहती? गौरी मेम से तोरे फुर्सत मिले तब ना, वो के आते ही कबूतर की तरह पंख फड़फड़ाते। अरे दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता, और आज तो मुझे ऐसे भूल गया जैसे मैं वहां थी ही नहीं। अरे गौरी समझा कर, मेम साहब को जरूरी बात करनी थी हमसे। जरूरी बात करनी थी तो वहीं पे नहीं कर सकते थे? अलग अकेले में ले जाने की क्या जरूरत थी? मैं कसब समझती नहीं कि गंगा किधर को बह रही है। ए हाय दर्द मोरे होए बिच्छी के मारे। तो ये जलन हो रही? जलन? मैं कहे जलन लगी, जले मोरी जूती। तो ये जलन हो रही है और मैं जानू किससे? आज के बाद मैं तुझसे कभी नहीं मिलूंगी, और तुम उसे बात करने की कोशिश भी मत करना। ए गौरी, सारे गांव में एक ही घर है जी के आंगन में नीम का पेड़ है, बगल में बड़ा सा खेत भी है, एक जोड़ा बैल दो गाय और तीन बकरियां भी हैं, और मैं जानू हूं पगली के वो घर मोरा है। और एक और बात सुनती जा, तू माई को पसंद भी है। Despite my warnings, you continue to meet those bloody farmers, damn you! How dare you! I'm not going to tolerate your nonsense anymore. You can damn well do what you like in London, but not here. You will pack your bags and leave for England by the next ship. Is that clear? Let me make some things clear to you, Andrew. Stop telling me what to do. I'm not a child. I'm not leaving Champagne, and get this straight. I'll go to the village as and when I so wish. Tell me, Eliza. What's so special about them that makes you go against your own brother? Something special about them? You're the one who's being unfair with your silly challenge. That's why I decided to help them. And you mark my words, they'll give you a tough fight. That's a Yardley. Line and length. Line and length. How's that? Shot, Burton. Well played. Boom! How was that? That is out, sir. That's the end of the day's play, gentlemen. I'm going to announce the batting order now. Smith and Burton will open, with Smith to face. Followed by myself at number three. Followed by Brooks, Wesson, North, Benson. Sir. Harrison, Flynn, Willis, Yardley. का लगा था इस्माइल, कौन होना चाहिए? हमका तो लगा रहा है। कहा भाई? कहा हो रहा है भाई? ये सब लोग तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं। हमका 11वां खिलाड़ी नहीं मिल रहा। ले लो, अब भाई इंतजाम किए देते हैं। भीमा को ले लो। भीमा? अरे ना ही मुखिया जी, सिर्फ नाम का भीमा है, जरा जरा देर में पीठ का दर्द होता रहता है। तो फिर काशीनाथ कैसे रहेगा? काशीनाथ? हाँ। उस ससुराल दौड़ते बखत आड़ा तिरछा होएगा तो काशी अलग नाथ अलग। अरे तुम्हें क्या किया जाए? मुखिया जी हमका तगड़ा आदमी चाहिए, आप रहने दीजिए, देखा जाए। देवा तुम गेंद फेंको, ईश्वर काका आप अल्लाह संभालो। चलो भाई
सब लोगन भाई जाओ। देवा ईसर काका को जरा धीमे से। चंगा जी गेंद फेंक। अरे कहाँ देखा थे गेंद फेंक ना। अरे क्या किया तूने? मैंने क्या किया? तुम ही कहो फेंको सो। इधर अरे इधर है ना। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें ही कहो फेंको सो मैं फेंका। अरे सब लोगन इधर आओ। अनीजा मीम साहब डाउन से देखो कचरा को उसकी गेंद को। ए कचरा जरा फिर से फेंक। मैंने कोनो जुर्म नहीं की। ये भुवन भैया जो कहा सो मैं फेंका। कचरा गेंद फेंक। नहीं नहीं बाई से नहीं, नहीं नहीं हाथ से फेंक। देखा का फिर की इमारत है। Amazing. He's actually spinning the ball. मिल गवाह हमका हमारे 11 खिलाड़ी। चल कचरा इसे काका आप सामना कीजिए। कोहली कचरा को देखा गेंद कहां से फेंकनी है। काका टर्नियों के पीछे। अर्जुन ला गेंद फेंक। अरे क्या हुआ सब जने खड़े खड़े मुंह काहे ताक रहे हो? अरे भुवन ना ना हम नहीं खेलेंगे। अरे ये ससुरा अछूत हमरे साथ ना ना ये हमरे साथ नहीं खेल सकत। पक्की बात हम एक अछूत के साथ कंधा नहीं मिलाएंगे। ये नहीं हो सकता भुवन तनी सोचो ये हम नहीं खेल। अब हम ना खेल भुवन। ए भुवन ये का नाटक कर रहे हो? तलवार की धार से गन्ना काट के खेत कलंकित कर रहे हो? गोरों के साथ लड़ना धर्म है पर एक अछूत का साथ लेके पूरा दूध भ्रष्ट होने नहीं देंगे हम। एक कचरा बट चल भाग यहां से। कचरा दूध पर छूत अछूत की छाप लगाई के दूध तो आप भ्रष्ट कर रहे हो। सारे गांव की सांस ही छूत अछूत के धुएं से काय घोट रहे मुखिया जी। चमड़ी के नाम पे मन को छलना कानो नेक काम है का? फिर काय पूछते राम जी को जिन्हें सबरी के झूठे बेर खाए। जो भगवान सबकी नैया पार लगावत है उनकी नैया एक छोटे जाति के नाविक ने पार लगाई। ये सब जानने के बाद भी छूत अछूत की बात कर रहे हो? और आप ही सरकार का आप तो वैद्य पीड़ा हरते हो रोगी की नाड़ी परख के उका इलाज करते हो। का आपका शास्त्र यही कहता है कि अछूत का इलाज न किया जाए उका मरने दिया जाए? अगर ऐसा है तो ये इंसानियत के नाम पे सबसे बड़ा कलंक होएगा। और फिर आज के बाद कोई भी वैद्य को भगवान का दूसरा रूप नहीं मानेगा। वो सब छोड़ भुवन तू तो तगड़ा खिलाड़ी चाहे था ना। ये कचरा तो लूला है। तेरे हाथ सलामत है ना देवी माँ मेहरबान है लाखा सो कह रहा है। मगर जिस कलाई को तूने लूला कहा है वही हमार सबसे बड़ी ताकत बनेगी। देख लेना ये बेजान सा पंजा ही हमका जीत दिलाएगा। एक बात आप सब लोगों का फिर से याद दिलाई दूं ये सिर्फ खेल नहीं है जो हम किसी के मौज मनोरंजन के लिए खेलते हैं। ये एक लड़ाई है जो हमका जीतनी है। हमार मकसद सिर्फ एक है लगान से मुक्ति गांव की खुशहाली। परों के वास्ते मैं मरते दम तक किसी के सामने नहीं झुकूंगा। आप लोग मेरा साथ दें या ना दें मगर कचरा खेलेगा। भुवन बेटा जो आंखें पूरी तरह से खुल गई हो
उनमें तो शर्म भी नहीं आ सकत। मैं ईश्वर भाई से सहमत हूं भुवन, तो ठीक ही कहा था। कचरा हमारे साथ खेलेगा। और फिर उस ऐतिहासिक दिन की सुबह हुई जब सूरज की पहली किरण क्रिकेट के मैदान पर पड़ी। रौंद डालो कैप्टन रसल के अहंकार को। महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय। Things are certainly beginning to hot up a bit, aren't they? Yes. दोनों दल एक एक बार बल्लेबाजी करेंगे और तीन दिन का खेल होगा। कौन सा दल पहले बल्लेबाजी करेगा उसका फैसला सिक्का उछाल कर किया जाएगा, जिसके लिए दोनों दलों को मैदान में आना होगा। खेल को सच्चाई से परखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने कानपुर से ईमानदार एम्पायर्स को आमंत्रित किया। Will you call Captain Russell? Head, sir. Heads, your call. बल्लेबाजी करेंगे। Good luck, Captain. Thank you, sir. Good luck, young man. जो दल बल्ले
दौड़ बनाएगा, जीत उसी की होगी। और अब अंग्रेज दल की बल्लेबाजी की शुरुआत करने आए हैं लेफ्टिनेंट स्मिथ और लेफ्टिनेंट बर्टन। कैसा देखा इधर दौड़ने लगते हो? जिसकी तरफ गेंद जाएगी वही दौड़ के लपकेगा, समझे? चलो जाओ। ठीक है, समझे ना? समझे। शाबाश बुरा, बहुत अच्छे। गेंद सीमा रेखा के पार और अंग्रेजों को चार दौड़े और मिली। देखो क्या कहा था। नो बॉल। स्टडी स्मिथ, स्टडी। देवा ने लकीर के बाहर जाकर गेंद फेंकी, इसलिए फिरंगी खिलाड़ी को बाद नहीं किया गया बल्कि उन्हें एक अतिरिक्त दौड़ मिली। अरे That's over. कचरा। इस गेंद के साथ चलो सब जाने घूम जाओ। देवा की पारी खत्म जिसमें आठ दौड़े बनी। अब नया गेंदबाज गेंद फेंकेगा। गेंद फिर की मारेगी, लपक लेना। ठीक है। या वन तोड़ेंगे। अच्छा फिर की मार, फिर की। की गेंद फिर की का नहीं मारा था, पता नहीं क्या बात। बिल्कुल ही फिरकी नहीं मारा था, उसका बदलना होगा। अब देवा तू भी कुछ देर सांस ले ले। ठीक है जी। भुवन तू डाल। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है चल।
था लक्ष्मण। और अब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं अंग्रेजी दल के कप्तान कैप्टन रसल। खोकर 66 बने हैं। गोली डंडी उड़ा देना। जरूर बने यहां से फेंकेंगे और इधर अब से राइट आर्म ओवर द विकेट। This is ridiculous. Sir, not be allowed to bowl the ball like this. It's improper. Gawa. Yes, he gained that he beg sakta. Are kai? Are Gawa tha? Have you ever seen such an action, sir? Excuse me, sir. Is something the matter? You see, we have a problem here. This man swings his arm more than once before releasing the ball. He'll have to bowl conventionally. Sir, I think you are being unfair to the home team. Unfair? How can you say that? It's only fair they asked this man to bowl properly. There is no rule written anywhere about such an action, is there? Well, there's nothing written about it that I can recall. There's nothing written about this rule. Well, we better write some rules, Captain, which unfortunately can happen only after this match. Till then, let's get on with the match. TK, he gained out sakta hai. Jita, baag, sher, mara to kya mara? Bade shaitan ko mara, jo in firangiyon ko mara. Shabash, gendha phek, tod de dandi, ha! Ridiculous. Dangerous, too. Agle ballebaaz hai, Lieutenant Brooks. Two, please. Just before he releases the ball, he makes a grunting noise. Something like this. Listen for it. Right, sir. Thank you. Shabash, Goli. दो बल्लेबाज खोकर 132 दौड़ बन चुकी हैं। कैप्टन रसल है 38 पर और लेफ्टिनेंट ब्रूक्स 32 पर। तो
think W.G. Grace could have made such confident strokes. Yes, he did. कैसे निकल गई बेटा? ध्यान किधर है तेरा? हमें जीतना है, ये खेल जीतना है। चल ध्यान से खेल, शाबाश। चल भवन, शाबाश। The end of the day's play, gentlemen. अंग्रेजों ने दो बल्लेबाज खोकर 182 दौड़ कायम कर लिए और इसी के साथ पहले दिन का खेल समाप्त हुआ। आज हमारा खेल ठीक नहीं रहा। ए लाखा, तू आज क्या कर रहा था? तैयारी का वक्त तो बहुत बढ़िया खेलत रहा था। तैयारी की बात और थी, तब तो हम आपस में ही खेल रहे। पर तू सिर्फ मुंह को काहे दोष दे रहा है? सब भाई लोग कचरा कचरा करत रहे, देख लिया नहीं लूले का चमत्कार? हम तो पहले ही कहते रहे। अरे उसने कोशिश तो की, तू तो कोशिश ही ना कर रहा था। क्या कर लिया कोशिश करके बताओ। अब चुप रहो। उस रात एलिजाबेथ की नजर एक साय पर पड़ी। उसने तहकीकात करने की कोशिश की। हमरा दल में होना कौन हो काम तो आया। लाखा को वहां देखकर वो हैरान हो गई। उसने उसी वक्त गांव जाकर भुवन को लाखा के बारे में इत्तला कर दिया। सब बहुत ही बड़ी भूल हो गई। हमका माफ करता हूं। लाखा, तू जैसे सांप को तो कुचल देना चाहिए। कोई कुछ नहीं करेगा लाखा, कब तक भीतर रहेगा? ये लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। दरवाजा खोल और मौका अंदर आने दे लाखा। भूल हो गई भवन, माफ कर दो हमका। ऐसा काहे किया लाखा? होश गवा बैठे थे भवन हम, क्योंकि क्योंकि प्यार करते थे हम गौरी से, पाना चाहते थे ओका। एक बार हमका पछताने का मौका दे तो माँ कसम जो कहोगे सो करेंगे। एक बार पछतावे का मौका दे तो एक मौका दे सका था
लेकिन वफादारी साबित करनी होगी। नहीं कर पावे तो कहीं भी शरण नहीं मिलेगी। दूसरा दिन शुरू करने जा रहे हैं 182 दौर से आगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। .71 to .3 is an extremely good score, Captain. Yes, I think we'll be looking at least 600. Something to please the crowd. Steady! Buwan, agar unki balibazi asai chali to... to... तुम्हें कुछ करना होगा। हाँ मैम साहब, लेकिन सब गेंदबाजों ने कोशिश करके देख ली, समझ में नहीं आवत है क्या करूं। क्या किया तूने? इधर आ, इधर आ। ये क्या हो? फिर पकड़ा नहीं होगा गेंद? समझ में नहीं आता। Yeah!
He's on a hat trick! दुश्मन की नली। आगे आई के घुमावत है अब आ आ आ, 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 आ। जा जा वापस उसी कारण टापू पर जा आए भाग कर तेरी जान कौन जा करी देखो किधर क्यों ना Major Cotton. बहुत बढ़िया
अरे कचरा का जादू चला सब फिरंगी लुढ़क गए। अरे भैया हमका तो लगा भुवन बहुत बड़ी गलती कर रहा तो का फिर से गेंद देख लेकिन अच्छा फेंका बहुत अच्छा। और फिरंगी ससुर आगे देखे में लगा रहा और गेंद पिछवाड़े से निकल के फुर्र से होकर डंडे ही उड़ा दी। बहुत बढ़िया हंसी मजाक तो सब ठीक है पर अभी सोचो कि ई ससुरे 323 दौड़ कैसे पूरी हुई है। हो जाए मुखिया जी सब जाने सुनो इस्माइल लाखा बागा देवा अर्जुन ये 323 दौड़ बनाने की जिम्मेदारी हम 6 लोगों पर ही है। बाकी की बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर है इसलिए हम 6 लोगों का भाव संभाल के और धीरे से खेलना होगा। देवा बल्लेबाजी की शुरुआत हम दोनों करेंगे और आज खेल खत्म होने तक हम दोनों को ही डटे रहना है। चलो बाजी बारी है। हाँ अर्जुन अर्जुन जमके सारी है कहीं भुला दे इन फिरंगन की शाम तक डटे रहना शाम तक संभल के
को रोटी नहीं होगा, पहने को कपड़ा नहीं होगा। अर्जुन, जो तो फंसाने की कोशिश करता है, तू शांत रहना। खाने को रोटी नहीं होगा, पहने को कपड़ा नहीं होगा। लगान हम तुमसे टिंगोन लगान वसूल करेगा। अर्जुन को अफसाने की कोशिश करता है, तू शांत रहना। तुम साला गुलाम हमारी झूठी के नीचे ही रहेगा। संभाल कर अर्जुन, शांति रख शांति, धीरे खेल अर्जुन धीरे। Hardly? Knock his bloody head off. जा बेटा। ध्यान से इस्माइल। चलते। That must have hurt. हुआ। चलते इस्माइल। चले 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 कोई बात कोई बात। आराम से आराम से।
was close. It certainly was, Your Highness. End of day's play. Great bowling, Yardley. Well bowled. We've got them on the run. हमरे पांच पक्के बल्लेबाज तो गए, अब का होई? दादा रे, के 10 दौर पूरे हुए। बहुत अच्छे। मोटी आए मरी खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए। कुरान पर कच्चा उड़ा दूँगा। कुरान 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 Stand back. Wait. Don't get too close, Smith. Stop that. Watch yourself. What on earth is he doing? This way, sir. What an extraordinary stance. It looks as if he's riding a horse. Great back, please, sir. What are you? No strikes out. Umpire, you can't do that. It's not cricket. Guran, gend ko sirf ek hi dafa maar. Theek hai. Jai Bajrang Bali tha. That's called kicking the horse. Dal! Dariye! Dal dushman ki nali! Awat hai bhuwan! Dekho mai ke! Aaj, aaj, aaj!
बजरंगी घुमा के दे अम्मा याद आएगी अपनी अम्मा को याद जय बजरंग बली फिरंगी चिल्ला कर रहे हो गोली बेटा जम के खेलना तोरे बाद अब सिर्फ भूरा और कचरा ही बचे बाबू जम के जोर लगा के गोली लात लगा जा बेटा जा खेलना गोली अरे डराओ ना सजरे जम के खेल संभाल के गोली संभाल के कब बोले सीज ना बस हाय ससुर पहली गेंद में पूरा तुम रुको हम जाते हैं ऐसी हालत में Interesting. I'm giving you a hat trick. You can smile. तो दौड़ेगा कैसे? निर्णायकों ने दौड़ने के लिए इस्माइल को दूसरा खिलाड़ी देने का फैसला किया है. आजा. देख टीपू. जब मैं आवाज दूँ, तब ही दौड़ना. हाँ? नहीं तो ये लकीर के अंदर रहना. समझा? साबास. अब जा. इस तरफ खड़ा हो जा. जा. लेकिन लकीर के अंदर, हाँ? शुक्र है तो आ गया इस्माइल इस्माइल अब बाकी के दौड़ हमका ही बनाना है और कौनो नहीं बचा है फिकर मत कर भुवन अब तू देख इंशाल्लाह जीत हमरी होगी बस हमका धीरज से खेलना होगा होगी
18 गेंदों में 30 दौड़े बनानी है। 18 में 30? हाँ। अब 16 गेंदे बाकी हैं और 28 दौड़ बनाना है। बुरा, तू एक तरफ डटा रहना, अपनी डंडियां मत गिरने देना। हाँ, मैं दौड़ बना लूंगा। शाबाश। Petrified Willis, get him on strike. Oh, Willis, two more to go. चार दालू कर दी। बुरा, तेरी बल्लेबाजी डट के खेलना, डंडी ना उड़ने पाए। शाबाश, चल जा। कप्तान रसल की चालाकी की वजह से भुवन एक दौड़ नहीं बना पाया। अब भूरा को बल्लेबाजी करनी होगी। एक दौड़ सकता चंपानेर दल को जीतने के लिए 12 गेंदों में 12 दौड़ बनाना है। Concentrate, gentlemen, concentrate! Saving one! One more, sir! One more!
बल्ले भाई, सब कुछ तेरे ही हाथ में। चल कचरा, अब भगवान का साथ तुम्हें ही देना है। जमा के कचरा, डर मत, चला जा। नाम लेके जा। All right, gentlemen, remember this chap, don't we? Welcome back. Interesting. Oh dear. Last man in, and he's severely disabled. अब आखिरी बल्लेबाज बचा है. 11 गेंदों में 12 दौड़ बनाना है. Wesson, short leg, stay in close. Right, sir. Come on, Phil. Come on, Smith. Save the twos, save the boundaries, but if they take the single, let them have it. Let the cripple take the stroke. Yali, I'm depending on you. Don't give away anything. Just get him. Gentlemen! Yardley? That won't do us any harm. Un día, Kiko.
हमका दौड़ लेना ही होगा। अब खेल की आखिरी दो गेंद बची है, समझा तू? लेना ही होगा हमका दौड़। चल शाबाश। कचरा, हमका एक दौड़ लेना ही होगा, बस चूके दौड़। एवरीबॉडी क्लोज इन, स्टॉप द सिंगल, क्लोज इन। अब आखिरी गेंद बची है। जीतने के लिए 5 दौड़ बाकी है। तुझे गेंद सीमा पार करनी होगी कचरा, नहीं तो 3 गुना लगान। सबकी जिंदगी तोरे हाथ में कचरा, कुछ कर कचरा, कुछ कर। Yardley? Are you quite certain, umpire? I am not discussing it any further, sir. I suggest we get on with the game. Very well. Gentlemen, avoid any mistakes this time. हम तो पहले कह रहे हैं कौन बड़ी विपत्ति आ सकता है।
अंग्रेज सरकार ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने चंपानेर से छावनी हटाने के फैसले पर मोहर लगा दी। By the power vested in me by Her Majesty Queen Victoria, I hereby declare that after much deliberation on the matter, the cantonment at Champanaire be dissolved, and the officers and troops of the erstwhile cantonment shall relocate and re-establish themselves in the princely state of Rajgarh with immediate effect. Signed, Colonel J.R. Boyer, Commanding Officer, Central Provinces. उम्मीद नहीं थी कि ये दिन भी देख पाऊंगा। सब आपने हमारे लिए जो किया है हम कभी नहीं भूलेंगे। और इस तरह चंपानेर ही नहीं उस प्रांत के सारे गांवों को 3 साल तक कोई लगान नहीं देना पड़ा। कैप्टन रसल को अपने सन की बर्ताव की कीमत चुकानी पड़ी। उसे 3 गुना लगान भरना पड़ा और साथ ही उसका तबादला मध्य अफ्रीका के रेगिस्तान में कर दिया गया। एलिजाबेथ अपने मन में भुवन की मूरत लेकर वापस इंग्लैंड चली गई और सारा जीवन अविवाहित रहकर भुवन की राधा बनी। भुवन और गौरी का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। आशीर्वाद देने के लिए स्वयं राजा पूरण सिंह पधारे, जिससे चंपानेर की शान चौगुनी हो गई। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भी भुवन का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया।